मेरा नाम डॉक्टर विनोद के वर्मा है। मैं आदित्य बिरला ग्रुप में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर आप जिंदगी में आपको सफल रहना है तो उसके लिए आपकी कमिटमेंट, आपकी डेडिकेशन, आपके ऑनेस्ट एफर्ट, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप ये करते रहेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि कोई ऐसा मुकाम नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते। जिंदगी के इस पड़ाव पे हम गिविंग बैक टू द सोसाइटी के मोड में हैं। हमारा सबका दायित्व तो बनता है कि जो भी बन पड़ता है वो आई थिंक हमको करना चाहिए। भगवान ने जब आपको सक्षम बनाया है तो आप किसी दूसरे के लिए मदद करें। मैं चाहता हूँ सोसाइटी के लिए मैं काम करूँ और मेरी आखिरी सांस तक मैं जो है किसी सोसाइटी, किसी सेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट उसके लिए मैं काम आ सकूँ। मेरी वाइफ जो है मेरी शक्ति है। अगर वो नहीं होती तो मेरे हिसाब से मेरा जो जितना भी डेवलपमेंट हुआ है और मैं घर की तरफ से निश्चिंत होकर के आई थिंक मैं प्रोफेशनल लाइफ के साथ में जस्टिस नहीं कर पाता। मैं मूलतः हरियाणा का निवासी हूँ। डिस्ट्रिक्ट भिवानी में मेरा जन्म हुआ है 1969 में। और मेरे पिताश्री का नाम है श्री धर्मपाल वर्मा और मेरी माता श्री जो अभी है नहीं उनका नाम है मिसेज केडी वर्मा। मेरे पिताजी जो है टीचिंग लाइन में थे, वो हरियाणा गवर्नमेंट में टीचिंग लाइन में थे और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ उन्होंने जिस आत्मीयता से और जिस कमिटमेंट और डेडिकेशन से अपना व्यवहारिक व्यावसायिक जीवन जो बिताया है वो एक अपने आप में बेंचमार्क है आज के युग में। और उनके स्कूल में आज से अगर मैं बात करूँ 25 साल 30 साल पहले तो उनके स्कूल में जो है प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा भीड़ होती थी बिकॉज ऑफ सीरियसनेस एंड दिस थिंग। तो वो उनकी एक मतलब समर्पण भाव था शिक्षा के प्रति। मेरी माता श्री जो है हमारे परिवार की रीढ़ की हड्डी थी और वो हाउस मेकर थी। वो ये इंग्लिश का शब्द है हाउस मेकर, बट वो रियल सेंस में हाउस मेकर थी। और वो मैं तो ये कहूँगा हाउस मेकर क्या फैमिली मेकर थी, ये फैमिली का बहुत बड़ा स्तंभ थी वो। मैंने कहा कि वो त्याग की भावना जो है और एक पूरे परिवार को एक साथ कैसे लेके चलना है, उन्होंने कभी मतलब उनके जो जो सबसे छोटा जो मेरे पिता का जो भाई था यानी उनका जो देवर था उनको एक बेटे की तरह उन्होंने रखा और बाकी सब में मतलब हमसे ज़्यादा उनको माना। और जो मेरी बुआ वगैरह हैं उनको अपने बेटों अपनी बेटी बेटियों से ज़्यादा जो है बढ़ करके माना और उनका सम्मान किया, उनकी शादियाँ की, उनको मतलब एक माँ बाप का पूरा प्यार दिया। मैं सबसे बड़ा लड़का हूँ मेरे माता पिता के, उसके बाद दो बहनें हैं। मेरे से इमीडिएट जो छोटी सिस्टर है उसका नाम है त्रिशिला वर्मा, वो पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर हैं। उनके बाद जो है वो सुलोचना वर्मा है जो कि आईटी प्रोफेशनल है। मेरा बचपन सही मायने में जो बचपन था वो ग्रामीण पृष्ठभूमि में बीता है और जहाँ हम संयुक्त परिवार था। मेरे दादा श्री जो है मैं अगर उनको ये बोलूं कि वो रोल मॉडल हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कारण उसका ये है कि वो पूरे परिवार को मतलब उनके जो चार पांच भाई थे उनके सब के परिवार को संभाल के रखते थे और उनमें से एक दो की तो आकस्मिक मृत्यु हो गई थी तो उनके परिवार को भी पूरी तरह से पढ़ाया लिखाया। तो उनके बच्चों के साथ में 8-10 बच्चों के साथ में जो है वो पूरा संयुक्त परिवार के रूप में चलता था और उसमें प्रतिस्पर्धा रहती थी बट एक जो टीम की भावना है आपस में मिलजुल करके काम करने की वो जो चीज़ है उसके संस्कार मेरे को संयुक्त परिवार से मिले हैं। एक दूसरे के साथ में रहना, मिल के जुल के रहना, तो वो हम 8-10 बच्चे रहते थे तो उसमें शरारतें भी होती थी वो भी रहती थी और गांव में कुछ अच्छा ही शरारतें होती थी, कुछ बुरी शरारतें होती थी, तो पिटाई विटाई भी बहुत अच्छे से होती थी। तो वो जो है एक लर्निंग रहा तो उसके आगे बढ़ते रहे। मेरे जो पिताश्री हैं वो सब परिवार में सबसे बड़े हैं तो उनसे बड़े होने के नाते वो 5 भाई हैं। तो बाकी जो छोटे हैं
वो उनमें से एक दो तो मेरी हम उम्र के हैं और ऐसे ही वो चाचा ताऊ में है, तो मेरा ज़्यादा जो इंटरेक्शन रहा है वो चाचा ताऊ के उनमें ज़्यादा रहा है। मेरी स्कूलिंग जो है गांव में ही हुई, उसके बाद में मैं शहर में आया। फिफ्थ क्लास के बाद मैं शहर में रहा डिस्ट्रिक्ट भिवानी में, और वहाँ तक मैंने वहाँ मैट्रिक की। तो मेरी कॉलेज जो है वो वेस्ट कॉलेज भिवानी से हुआ। उसके बाद मैं जो है यूनिवर्सिटी के लिए रोहतक में आ गया, MD यूनिवर्सिटी रोहतक है, वहाँ से मैंने MA इकोनॉमिक्स और MPhil इकोनॉमिक्स किया। मैंने जब पहली बार नौकरी किया तो मैंने जो है MPhil के बाद में मेरे को एक साल का टाइम मिला था जिसमें मेरे को इम्प्रूवमेंट करना था, तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री रिलेशन किया था, तो उसके बेस के ऊपर मेरे को मौका मिला। मैंने जब वो करने के बाद में मेरे को बताया गया कि भाई नहीं, इस लाइन में अगर आप HRD में कोर्स करें तो ज़्यादा आपको आगे आपकी उन्नति होगी, तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स में किया। फिर बोले कि नहीं, आप ह्यूमन रिसोर्स में ठीक है, आपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भी है, तो मैंने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का किया। तो मैं पहले ह्यूमन रिसोर्स में था तो किसी ने बोला नहीं लॉ कर लोगे आप, तो मैंने लॉ किया। तो मेरे को आज बताते हुए गर्व भी होता है और कई बार ये सोचते हुए ये भी होता है कि मेरे पास जब मैंने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में एक साल का कोर्स था नौकरी करते हुए साथ में, तो मेरी शादी हो गई थी तो वाइफ भी साथ में थी, तो इनिशियली जो तनख्वाह होती थी उस टाइम में, मैं 92-93 की बात कर रहा हूँ, तो वो नॉर्मल तनख्वाह होती थी, तो उस टाइम में प्लांट में मैं था तो 10,000 रुपये फीस होती थी। तो मैंने बोला नहीं भाई, तो मैं करूँगा, तो मैंने एक आवेदन लगाया लोन के लिए, तो किसी वजह से टेक्निकल रीज़न पे नहीं अप्रूव हुआ। तो उस टाइम के जो मेरे जनरल मैनेजर थे उन्होंने अपने पास से वो फीस दी, तो मैंने उसको 4-5 महीने में करके रिटर्न किया। तो इस तरह का मेरा जो है डेडिकेशन रहा है शिक्षा के प्रति, और मैंने जो है उसके साथ में लॉ किया, उसके बाद में मैंने PhD में रजिस्ट्रेशन कराया था, उसको मैंने कंप्लीट किया, मैंने MBA किया। लोगों ने बोला नहीं MBA भी बहुत ज़रूरी है, तो MBA भी किया, और मेरे को इस मामले में बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं लंदन से लेकर के UK से लेकर US से लेकर कनाडा की विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से जो है मैंने सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर के और विभिन्न तरह के कोर्स किए हैं। मैं देखिए, मेरी ज़िंदगी की शुरुआत जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से रही, और 2000 में जब मेरे को यहाँ दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया, उस टाइम जो है मेरे को कॉरपोरेट अफेयर्स का काम दिया, जो मैं जिस विभाग में आज भी हूँ। तो 2007 में एक पटना के एक उद्योगपति थे JP वर्मा जी, वो आए हुए थे, तो ऐसे ही वो उनका एक शौकी आया हाथ दिखाने का, तो वो देख करके बोले यार वर्मा जी आप तो नौकरी छोड़ रहे हो। तो मैं बोला नहीं, क्या बात कर रहे हो, मैं तो जिंदल में हूँ और कहीं तक दूर दूर तक, क्योंकि मैं जिंदल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और मैनेजमेंट से मेरा बहुत अच्छा वो था और मैं इंजॉय कर रहा था उस सब चीज़ों। बोले नहीं आप तो छोड़ रहे हो। मैं बोला नहीं, मैं तो नहीं छोड़ रहा। आप बोले क्या बात कर, आप 2-3 महीने में नौकरी छोड़ दोगे। तो ऐसी कोई घटना हुई कि मेरे को जो है आदित्य बिड़ला ग्रुप से ऑफर आ गई किसी के रेफरेंस के थ्रू, और उसमें मैंने एक इंटरव्यू, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड क्लियर कर दिया और मेरे को बहुत अच्छी ऑफर मिल गई। तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल था कि यार मैं इस ग्रुप को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि ये हरियाणा का ग्रुप है, मेरा अपना ग्रुप है, बड़ा अपना तो था, और बहुत मेरे को एक्सपोजर मिला नवीन जिंदल साहब से लेकर के जो है मेरे के इमीडिएट डायरेक्टर थे मिस्टर आनंद गोयल, उनका बहुत बड़ा मेरे पर आशीर्वाद रहा। तो जब मेरे को ऑफ़र मिली तो मैंने रिजाइन दिया, तो मेरे को ये बोला गया कि अरे क्यों जा रहे हो, तुम पूरी जवानी यहाँ लगा दी, अब तो सही मौका आया है इंजॉय करने का, तुम्हारा फ्यूचर है, और तुम छोटी मोटी कंपनी में जाओगे, इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तुम डायरेक्ट जो है मैनेजमेंट के टच में हो। तो मैंने बोला जो मेरे भाग्य में लिखा है तो वो होगा, बट उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मेरे को थोड़ा जो मैंने सीखा है तो उसमें देखो कहाँ तक मैं सस्टेन करता हूँ। तो आई लेफ्ट जिंदल इन 2007 एंड ज्वाइन आदित्य बिड़ला ग्रुप। अभी वर्तमान में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं ग्रुप कॉरपोरेट अफेयर्स का, प्लस मेरे को जो है हेड ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स हिंडाल्को फ्लैगशिप कंपनी है आदित्य बिड़ला ग्रुप की, जिसका लगभग 16 कंट्रीज में जो है ऑपरेशन है, प्लस इंडिया में करीबन 20-22 प्लांट होंगे, 30-35 माइंस हैं। तो उसका मैं रेगुलेटरी अफेयर्स का हेड हूँ,
अपार्ट फ्रॉम दैट एट ग्रुप लेवल जो है मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरे को बड़ा सौभाग्य रहा है, टीम का 100% सपोर्ट रहा है, मैनेजमेंट का भी सपोर्ट रहा है और उन्हीं की बदौलत मैंने बहुत से एक बेंचमार्क सेट किए हैं। मेरे को दो बार जो है रिकॉग्निशन ग्रुप लेवल पे मिली एंड उसके अलावा जो मेरे को स्पेन से लेकर के यूके से लेकर के यूके की पार्लियामेंट में जो है लंदन में पार्लियामेंट में जो है मेरे को अवार्ड मिला है। तो मैं ये मानता हूँ ये जो जितनी भी रिकॉग्निशन मिली है ये मैं अपनी टीम को डेडिकेट करता हूँ, उनके सहयोग को डेडिकेट करता हूँ और मैनेजमेंट का धन्यवाद करता हूँ उनकी जो है मेरे ऊपर विश्वास जताने के लिए और मेरे को फ्री हैंड देने के लिए। ये मेरी जो शादी है ये भी एक तरह की घटना है और मैं जब आई थिंक 12वीं क्लास में था तो उस टाइम में मैं एक कोटरी वाली माता के दर्शन के लिए गया था। तो मेरे एक रिलेशन में जो है वो फंक्शन था तो वहाँ पे जो है प्रेमलता जी के मेरे को दर्शन हुए तो लव एट फर्स्ट साइट में जो है वो भी उस टाइम में 8वीं 9वीं क्लास में होंगी शायद। तो उस टाइम में जब वो माता के दर्शन करने गए तो हमने उस टाइम में मन मन में सोच लिया था कि शादी करेंगे तो इसी से करेंगे। उसके बाद में मेरे दादाश्री ने जो है वो प्रेमलता जी के यानी मेरे ससुर ने जो है मेरे दादाजी से संपर्क किया, नहीं मेरे को तो इस लड़के से शादी करनी है। तो वो काफ़ी लंबी स्टोरी है बट जस्ट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मेरे दादा ने बोला भैया शादी तो इन्हीं से होगी। तो मेरे पापा ने बोला भी चलो ठीक है जब आपने डिसाइड ही कर लिया है तो ठीक है। तो मेरा 5 साल रिश्ता रहा तो 5 साल जो है मैं मेरे को बीच बीच में तब तक मैंने ये ठान लिया था मैं जब तक पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करूँगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। तो वो 5 साल तक रिश्ता रहा। करीबन 100 किलोमीटर जो है हम बाइक पे जाते थे और वो 10-15 मिनट की मुलाकात के लिए और उसमें भी बहुत सी रेस्ट्रिक्शन होती थी। वो एक हमारे साले साहब थे वो बहुत उग्र व्यवहार के व्यक्ति थे तो वो बिल्कुल मारने उतारने पर रहते थे कि नहीं मिलने देंगे समथिंग है। तो उनसे शादी मैंने जो है मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया मैंने एमफिल कर लिया उसके बाद ही की, तब तक मेरी नौकरी भी लग गई थी। मेरी वाइफ जो है मेरी शक्ति हैं, ये मैं ये गर्म दल और नरम दल का बहुत बड़ा समावेश है। तो वो बड़ी धैर्यवान है, एक बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए चाहे बड़े से बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए या कुछ भी आ जाए तो उसको हमेशा एक बड़े मुस्कान से हंसते रहता है नहीं नहीं सब हो जाएगा हो जाएगा। तो वो एक कई बार मेरे को इनिशियली बड़ा गुस्सा आता था मतलब तो क्या यार क्या मतलब तुम बोले हो जाएगा कैसे हो जाएगा ऊपर से बोले मैंने बोल दिया ना हो जाएगा। तो जो उसकी कूलनेस है जो उसका धैर्य है वो बहुत बड़ी शक्ति है और मेरे जैसे आदमी के लिए जो स्पीड में विश्वास करता है मतलब जिसको जो आराम करना पसंद नहीं करता और लाइफ में एक एक मिनट को यूटिलाइज करना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो हमेशा लोग बोलते हैं कि घोड़े पर सवार रहता है तो ऐसे व्यक्ति के साथ में एक धैर्यवान महिला का होना वो बहुत ज़रूरी है और मैं आज जो भी हूँ उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो नहीं होती तो मेरे हिसाब से मेरा जो जितना भी डेवलपमेंट हुआ है और मैं घर की तरफ से निश्चिंत होकर के आई थिंक मैं प्रोफेशनल लाइफ के साथ में जस्टिस नहीं कर पाता। और मेरे दो बच्चे हैं, सबसे पहले बड़ी जो है वैशाली वर्मा जो लड़की है, मैं मेरी लड़की से मतलब रियली आई एम प्राउड ऑफ हर। वो जिस कमिटमेंट डेडिकेशन से उसने लेडी श्रीराम से ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद में वॉरिक बिजनेस स्कूल यूके से उसने पीजी किया, नाउ सी इज़ विद वन ऑफ द एक्सीलेंट एमएनसी, सी इज़ डूइंग फैंटास्टिक जॉब। वो अभी यूएस बेस्ड एमएनसी में थी, अभी उसको वर्तमान में ही जो है लंदन से ऑफर मिला है तो सी इज़ गोइंग टू ज्वाइन इन लंदन। एक उससे 8 साल का गैप के बाद जो है मेरे को पुत्र प्राप्ति हुआ, दिव्यांशु का जन्म हुआ दिल्ली में ही। वो अभी सेकंड ईयर में है, द आर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से सेकंड ईयर में वो अभी पढ़ाई कर रहा है, प्रोडक्ट डिज़ाइन में कोर्स कर रहा है। और मेरे बेटे ने जो है जब एडमिशन लिया तो उस टाइम तक मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कि ये इस ढंग से सब उसमें कर लेगा, वहाँ पे अपने आप से बेस्ट। तो मैंने कंडीशन रखा था कि भाई बेस्ट यूनिवर्सिटी में बेस्ट कॉलेज में अगर एडमिशन होगा तो मैं तभी बाहर भेजूँगा। तो ही गोट द
आई थिंक सेकेंड इन द वर्ल्ड दिस यूनिवर्सिटी एंड फर्स्ट इन द कोर्स. तो ये बहुत गर्व की बात है. और ये सब उसने किया, मतलब अपने आप से रिसर्च करके वो करके. एंड ये दीवांशु का सौभाग्य है, उसको सैली नाम है घर का मेरी बेटी का, तो उसको एक मतलब एक माँ के रूप में भी उसको पूरा नर्सरिंग करना, उसको गाइडेंस देना, तो हमको इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी डे टू डे यू नो स्टूडेंट की एडमिशन में या किसी तरह का हम योगदान कराए अदर देन जो पैसा हमने दिया है. जो आज मैं जो कुछ हूँ उसमें मेरे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है. मेरे पिता से मैंने जो सीखा है वो ईमानदारी से काम करना सीखा है, टाइम से पहले एक अपने वर्कस्थान पे जाना और कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ काम करना, उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना. ये मुख्यतः संस्कार जो है वो मेरे पिता से मेरे को मिला है. जहाँ तक मेरी माँ का ताल्लुक है, उनसे मैंने सीखा है कि किस तरह से मेहनत करके और अपने तौर से एक परिवार को बांध के रखना, त्याग की भावना, वो मैं उनका कायल हूँ. और आज वो नहीं हैं लेकिन मैं उनको याद करता हूँ. उनकी जो कमिटमेंट टुवर्ड्स फैमिली है उसका कोई सानिध्य नहीं है. हर माता पिता का अपना योगदान रहता है. आज अगर मैं कुछ अच्छा ही है तो वो उनकी वजह से है. कहना बड़ा वो है दो मत किसी एक व्यक्ति विशेष का, बट टाइम टू टाइम शिफ्ट होता गया. अगर मैं मान लो जिंदल में था तो मैं अगर स्पीड और मेहनत का कायल था तो नवीन जिंदल का था. जब मैंने आदित्य बिरला ग्रुप में आ गया मैं, तो जो सिस्टमेटिक ढंग से काम करने का और सिस्टम ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, तो मैं आदित्य बिरला ग्रुप को उसका श्रेय देता हूँ. वर्तमान में जो मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर सतीश पाई, लो प्रोफाइल में जो है आप इफेक्टिवनेस से कैसे काम करते हैं बिना हू हा के, तो वो मैं उनका कायल हूँ. तो समय समय पर जो है बहुत से व्यक्ति तो मेरी ज़िंदगी में आए, उनका एक विशेष तरह का अलग तरह का एक प्रभाव मेरे जीवन पर रहा और उनकी अच्छाइयों को सीखते हुए मैं आगे बढ़ा. मेरी पहली ज़िंदगी का यानी स्टूडेंट लाइफ में जब मैं हॉस्टल में रहा तो एक टर्निंग पॉइंट था. जब मैं पहली बार नौकरी के लिए छत्तीसगढ़ गया तो वो सेकंड टर्निंग पॉइंट था. थर्ड टर्निंग पॉइंट जब मैं दिल्ली में आया ट्रांसफ़र होकर के, तो दैट वाज द थर्ड टर्निंग पॉइंट. फोर्थ वन जो था तो जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन चेंज किया, मैं आदित्य बिरला ग्रुप में आया. तो हर मुकाम पर एक अपना अपना तरीका जो है वो रहता है और हर एक का एक अपना महत्व है. तो उसी हिसाब से जो है मतलब प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ से लेकर के बहुत से मुकाम आए. और जहाँ जगह बदलने के साथ साथ में जो है वो ज़िंदगी में भी अलग अलग तरह के चैलेंज और अलग अलग तरह के टर्निंग पॉइंट आए. मेरा ये मानना है कि अगर आप ज़िंदगी में आपको सफल रहना है तो उसके लिए आपकी कमिटमेंट, आपकी डेडिकेशन, आपके ऑनेस्ट एफर्ट, कंटिन्यूस एफर्ट्स, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. अगर आप ये करते रहेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि कोई ऐसा मुकाम नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते. चुनौती आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. चुनौतियाँ स्टूडेंट लाइफ से लेकर के आज तक व्यावसायिक जीवन में भी तरह तरह की चुनौतियाँ आई हैं. और उन चुनौतियों का सामना मैंने मेरे को परिवार के लिए और परिवार से शक्ति मिली, जहाँ ऑफिस की बात है तो टीम से शक्ति मिली. और उसके अलावा जो उन सब चीज़ों के ऊपर जो मेरे को ज़िंदगी में ये था कि जो ठान लिया उसको करना है और उसको करे बगैर छोड़ना नहीं है. मेरा एक टैगलाइन है कि लगे रहो मुन्ना भाई. तो अगर आज सफलता नहीं मिली तो कल ज़रूर मिलेगी, उसको आप छोड़िए मत. अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको 1 किलोमीटर चलने पर मंजिल मिल जाएगी. अगर मेरे को थोड़ा सा दिक्कत है तो 2 किलोमीटर चलने पर मिल जाएगी, बट मिलेगी पक्का. देखिए मैं उठता हूँ 4:30 बजे के बाद, कभी भी उठ जाता हूँ. 4:30 से लेकर के जो दिनचर्या पूरी करता हूँ. और सुबह उठने के बाद सबसे पहले मेरा काम ये होता है कि मैं मेरी धर्मपत्नी को गर्म पानी देता हूँ और उसको चाय पिलाता हूँ. और फिर 4 सुनता हूँ कि आप तो
जल्दी सो गए थे, आप मेरे को जल्दी उठा रहे हो। उसके बाद से जो है दिनचर्या शुरू होती है और मैं 7 बजे घर से निकलने के बाद में 8 बजे के बाद ही घर में मेरा आगमन रहता है। तब तक जो है मैं सुबह इसलिए जल्दी जाता हूँ ऑफिस में ताकि जो ऑफिस के जो शांति से काम करने वाले काम हैं वो मैं निपटा दूँ। उसके बाद से फिर जो है मीटिंग और इधर उधर टीम के साथ में इंटरेक्शन रहता है और शाम में फिर जो है कुछ लोगों का कहीं कहीं किसी की अपॉइंटमेंट, किसी से वैसे मिलना है। कुछ लोगों ने बोला जी आज ठीक है आप मेरे साथ आ जाइए, मैं बात करनी है आपसे, तो उस समय को उसमें यूटिलाइज करते हुए फिर मैं जो है 8 बजे के आसपास घर पे आता हूँ। मेरे नज़र में आप जीवन से क्या चाहते हो ये क्लियर रखिए और प्रयास मत छोड़िए। हताश और निराशा कभी कभी आत लगती है, ऐसा नहीं है, पर उससे प्रयासों को नहीं छोड़ना चाहिए। ज़िंदगी में लक्ष्य रखिए, उसके साथ में काम करिए। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम में हमारे पास फेट होती थी, तो हमने ये इमेजिन किया कि भाई आप जब मैं पहली बार नौकरी करूँगा तो मैं जो है गाड़ी में रखूँगा और पीछे हैंगर रहेगा, वहाँ पे कोट टंगाऊँगा, तो एक कोट आकर नीचे उतरा तो तुरंत से कोट पहन करके आप ऑफिस में जाना है मेरे को ऐसा। तो जब बात करते थे तो ये ऐसा लगता था कि अरे क्या मतलब आप ख्वाब ले रहे हो। और मैं जो पहली मेरी नौकरी रही वो प्लांट में रही, तो प्लांट में मैं 3 कोट सिलवा करके गया वहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ में बहुत गर्मी होती थी, तो वहाँ उतरने के बाद में देखा तो अपने यहाँ नवंबर दिसंबर में जो अच्छी ठंड होती है तो वहाँ जा करके वो लोग फुल स्लीव में शर्ट में रहते थे। तो वहाँ जाने के बाद में मैंने देखा कि वो सब यहाँ तो कोट वोट नहीं चलेगा, तो 10 साल तक कोई भी वो कोट इस्तेमाल नहीं हुआ। जब मैं दिल्ली आ गया तब जो है मैंने उनका वास्तव में इस्तेमाल हुआ, तो मैंने गाड़ी भी लिया उस टाइम में, अच्छी गाड़ी लिया मैंने, सफारी लिया, तो उसमें आकर के मैं पीछे हैंगर में टंगा करके कोट और जब आकर के जब जाता था ऑफिस में तो एक अलग तरह का आनंद है। मैं ये बताते हुए ये उदाहरण देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में सपने लेने चाहिए, अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ में प्रयास करने चाहिए और ईमानदारी से प्रयास करने चाहिए, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। देखिए धार्मिक स्थल में भी एक मेरा बहुत बड़ा लगाव है, तो मैंने ऑलमोस्ट कोई छोड़ा नहीं है। राइट फ्रॉम राजस्थान में जैसे सालासर से लेकर के खाटू श्याम जी से लेकर के साईं बाबा से लेकर के शनि धाम से लेकर के जगन्नाथपुरी से लेकर के आपका बनारस से लेकर के और सोमनाथ मंदिर से लेकर के साउथ में कन्याकुमारी तक मैं गया हूँ। जहाँ तक विदेश का ताल्लुक है तो मैं US UK से लेकर के जो आपका चाइना, सिंगापुर, स्पेन, जर्मनी, मैं बहुत कंट्रीज घुमा हूँ, इवन थाईलैंड और भूटान गया हूँ, मालदीव गया हूँ। मेरी हॉबीज़ में जो है एजुकेशन, एक्वायरिंग नॉलेज और घूमना, लोगों से मिलना, ये सबसे अहम है। अगर मान लो मैं इसको इस ढंग से लेता हूँ, अगर आपने किसी ने बोल दिया कि आप उस संस्था से जुड़ने के बाद में आप ये काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, तो मैं उसको प्रेफर करता हूँ। और अगर आप मेरे को ये बोल दो कि नहीं यार 2 दिन चलते हैं कहीं बाहर घूमते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, तो वो मेरा जो है इमीडिएटली चाहे मैं कितना थका आ रहा हूँ मैं तैयार हो जाता हूँ। देश विदेश में घूमना, मैंने करीबन आई थिंक 21-22 कंट्री मैं घुमा हूँ, तो जिसमें से मैं करीबन 17-18 कंट्रीज जो है वो मैं प्रोफेशनल वर्क से गया, तो उसमें या कभी कोई सर्टिफिकेट कोर्स हुआ या कोई कभी सेमिनार आया तो उस तरीके से मैं घूमा, बाकी फिर मैं टूरिस्ट वीज़ा पे भी घूमा हूँ। फिल्में देखने का मेरे को कोई ज़्यादा शौक़ नहीं है और गाना सुनने का शौक़ मेरे को जो है जब मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ तो उसी टाइम का मेरे को बहुत शौक़ है कि यार बढ़िया म्यूज़िक, बढ़िया अच्छे गाने बजते रहें, और वो एक मेरा उसमें है। बट डे टू डे में मैं मूवी ज़्यादा नहीं देखता हूँ, तो मैं जब पढ़ता था तो उस टाइम में मेरे मित्र के साथ हमारा काफ़ी वो रहता था, वो अमिताभ बच्चन का बहुत तगड़ा फैन था और मैं शत्रुघ्न सिन्हा का था। तो उसके बाद से फिर जब आप व्यावहारिक जीवन में उसमें आ गए तो ऐसा कोई स्पेसिफिक एक्टर रहा नहीं। आँखियों के झरोकों से लेकर के और शशि कपूर के जो गाने हैं, ऋषि कपूर के जो गाने हैं रोमांटिक गाने, तो वो मैं काफ़ी सुनता हूँ।
देखिए मैं धार्मिक हूँ, मैं वहाँ तक धार्मिक हूँ कि मेरे मन में चलता चलो आज हम सालासर बाबा का मैं चलें, बट वास्तव में देखा जाए तो मेरी जो धर्मपत्नी है वो धार्मिक है और धर्म से लेकर के जो अच्छे काम करने हैं वो उसी के खाते में है। तो मेरा काम है कर्म करना और उनका ये है, वो वास्तव में धर्म से और उनको आध्यात्मिक ज्ञान बहुत है। मैं तो भगवान पे जा कर के जब कभी दिल दुखी होता है, स्वार्थी व्यक्ति हूँ, सामने खड़ा हो जाता हूँ जा कर के हाथ जोड़ करके, बट वास्तव में जो एक ड्यूटीवनेस है वो मेरी धर्मपत्नी में है और वो उसी उन्हीं का विभाग है, उनके वजह से ही हम पूरा परिवार सुख और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। मेरे सर्कल में लोग बोलते हैं कि आप बहुत एनर्जेटिक हो, वैसा मेरे को नहीं लगता, लेकिन यस मैं ये मानता हूँ कि आपका जो जीवन है और आपका जो शरीर है आप उसको जितना एक्टिव रखोगे वो उतना एक्टिव रहेगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाएगा। मैं आज भी मतलब मेरे को गाड़ी चलाने का बड़ा शौक है, गाड़ी रखने का बड़ा शौक है और कपड़ों का भी अपने आप में मतलब बहुत मेरे को शौक है। दो ही मेरी कमजोरियाँ हैं, एक जो है मैं ड्रेसिंग में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ और दूसरा मेरे को गाड़ी वगैरह का ज़्यादा शौक है कि मैं बेस्ट गाड़ी चलाऊँ, बेस्ट गाड़ी रखूँ। लायंस क्लब मैंने 2013 या 14 में ज्वाइन किया था। गौरव गुप्ता जी मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे उसमें और उन्होंने मेरे को क्लब ज्वाइन किया। एक साल के बाद में जो है, एक डेढ़ साल के बाद जो है मेरे को प्रेजिडेंटशिप भी मिला और बहुत हमने काम किया। लायंस क्लब जो है अपने आप में जो है एक इंस्टीट्यूशन है जो कि समाज में सेवा करने के नाम पे उन्होंने जो बेंचमार्क सेट किया है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, तो मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं लायंस क्लब का एक मेंबर हूँ, साधारण सदस्य हूँ। इसके अलावा मेरी मदर के नाम से हमने केडी फाउंडेशन जो है अलग से बनाई हुई है जिसमें मेरी धर्मपत्नी जो है बहुत से सामाजिक कार्य करती है। उसमें उन्होंने सिलाई सेंटर से लेकर के जो है एक वहाँ पे मंदिर निर्माण से लेकर के बच्चों को पढ़ाई के से लेकर के बहुत से सामाजिक कार्य किए हैं। मैं ये मानता हूँ कि हमारा सौभाग्य है अगर हम किसी के काम आ सकें। एजुकेशन और हेल्थ दो ऐसे एरिया हैं जिसमें मैं चाहता हूँ कि भगवान मेरे को ऐसा समृद्धशाली बना के रखे, सद्बुद्धि दे के रखे ताकि मैं जो है इसमें काम करता रहूँ और मेरी धर्मपत्नी इसमें पूरा साथ देती है। इस पड़ाव पे, जिंदगी के इस पड़ाव पे हम गिविंग बैक टू द सोसाइटी के मोड में हैं। हमारा सबका दायित्व बनता है कि जो भी बन पड़ता है वो आई थिंक हमको करना चाहिए। भगवान ने जब आपको सक्षम बनाया है तो आप किसी दूसरे के लिए मदद करें और जो वास्तव में नीडी है, तो आई थिंक ये आपका दायित्व बनता है। अभी वर्तमान में जो है मेरा फोकस बच्चों के उस पर है। बिटिया जो है अभी उसको लंदन में ही नौकरी करनी थी क्योंकि उसने पढ़ाई वहाँ पे की थी, उसका सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन है, तो वो उसको वहाँ पे नौकरी मिल गई है, तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए खुशी का विषय है। उसके लिए तो है ही है। अब उसके बाद में उसका मैरिज का एक है पॉइंट, वो अपना ठीक है वहाँ जाने के बाद में करें। बेटा अभी जो है अंडर ग्रेड कर रहा है तो वो अपना ठीक से एजुकेशन कंप्लीट कर ले। तो अभी शॉर्ट टर्म गोल यही है, लॉन्ग टर्म में ये है कि जब तक भगवान ने सांस दिया है तब तक मैं जो है अपनी व्यावसायिक जीवन से सेवानिवृत्त होने के बाद में मैं चाहता हूँ सोसाइटी के लिए मैं काम करूँ और मेरी आखिरी सांस तक मैं जो है किसी सोसाइटी, किसी सेक्शन ऑफ डिस्टिंग उसके लिए मैं काम आ सकूँ। मैं ऐसे बैठ करके अपना जीवन बिताना नहीं चाहता। देखिए मैं बड़ा भाग्यशाली रहा हूँ इस मामले में, रिलेशनशिप में, तो मेरा परिवार के साथ में मेरे को मेरे रिश्तेदारों से और मेरे को बहुत अपार प्रेम मिला है, रिस्पेक्ट, लव एंड अफेक्शन, वो मेरे को बम्पर फार तरीके से मिला है और मेरा कोई काम नहीं रुका। मतलब यार दोस्तों में भी अगर मेरे को किसी ने भी कभी मेरे को ज़रूरत पड़ी तो वो कभी पीछे नहीं हटे और मैं ये कहता हूँ कि मैं तो उनका 5% भी नहीं हूँ। जितना मेरे को सपोर्ट जो है परिवार की तरफ से, मेरे रिश्तेदारों की तरफ से, मेरे यार दोस्तों की तरफ से है, उतनी सपोर्ट तो मैं 5% भी उनकी नहीं किसी उसमें
कर पाया हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि ये भगवान का बहुत बड़ा मेरे ऊपर हाथ है। मैं आज के युवा के ज्ञान और स्पीड दोनों का कायल हूँ, और जो उनमें नॉलेज है उसका कोई सानिध्य नहीं है। दे आर वेरी क्लियर अबाउट द लाइफ, दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर मोटिव एंड यू नो टारगेट, बट एक ही चीज़ के पेशेंस का थोड़ा सा हुआ है, वो स्वाभाविक भी है। लेकिन आज का युवा है वो बहुत अपडेटेड है, हमको जो जनरेशन गैप है उनकी उनकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको ठीक से सुनना चाहिए। मैं मेरे दोनों बच्चों को यही कहना चाहूँगा, जो ज़िंदगी में वो करना चाहते हैं बड़े फ्रीडम से करें। तो मैं कहता हूँ बेटा, जो ज़िंदगी में तुमको करना है परफेक्शन से करो, और साथ के साथ ये मत बोलो कि आपका भी दायित्व राष्ट्र के प्रति, आपके परिवार के प्रति है, उनका निर्वाह करते हुए आप अपने फील्ड में एक्सेल करो। यही मेरे को मेरे बेटे से कहना है कि आप जिस फील्ड में भी रहें उस फील्ड में अपनी पूरी डेडिकेशन कमिटमेंट से काम करें, और देश के प्रति, अपने समाज के प्रति किसी भी तरह की कोई कोताही न बरतें। मेरी वाइफ जो है वो मेरी शक्ति है, और मेरे को पूरा साथ देती है, पूरे परिवार को, नॉट ओनली बच्चों को, मतलब मेरे माता पिता से लेकर के वो मेरे माँ बाप की सेवा, जो मेरी माँ की सेवा जो है मेरी पत्नी ने की है, वो मेरे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है, बियॉन्ड इमेजिन है। तो मेरे को कभी ये नहीं कहना पड़ा कि वो है, अब मेरे फादर हैं तो वो हर चीज़ का ध्यान रखती है, तो ये मेरे लिए बहुत सुकून का विषय है और गर्व का विषय है। और मैं ये कहता हूँ कि भगवान उनको स्वस्थ रखे और ये सद्बुद्धि उनकी बरकरार रहे। बच्चों के प्रति वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है, बच्चों की थोड़ी गलती वलती के इग्नोर करती है, तो मैं कई बार बोलता हूँ कि नहीं, गलत को गलत कहना सीखो, तो कई बार उनके ऊपर प्यार हावी हो जाता है, वो एक शिकायत जरूर है, बट अदरवाइज दैट वे आई एम ब्लेस्ड विद दैट। मेरा नाम डॉक्टर प्रेमलता वर्मा है, मेरा जन्म स्थान राजस्थान से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर का नाम श्री गौरी शंकर जी हैं, मेरी माता का नाम श्री गीता देवी। उनसे मुझे यही संस्कार मिले, ईमानदारी से जीना, बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार करना। बचपन में रूटीन की एक तरह थी, शरारती नहीं थी, ब्यूटीफुल गर्ल थी। हम लोग 6 बहन भाई हैं, सबसे बड़ा मेरा भाई है वो कैलाश, सेकंड नंबर पे मैं हूँ, थर्ड नंबर पे सुभाष है, उससे छोटी धर्मवीर हैं, उससे छोटी सीमा और उससे छोटी सुमन। बहन भाई हम आपस में अच्छे प्यार से ही रहते थे, कभी लड़ते थे कभी झगड़ते थे, अच्छे तरह से ही रहते थे। मतलब मम्मी पापा को कभी शिकायत का मौका नहीं देते थे। मम्मी हमें अंदर छोड़ के जाती थी पर हम खिड़की से बाहर निकल के खेलने लगते थे। फिफ्थ तक मैं गांव में पढ़ी थी, उसके बाद हम लोग सिटी में आ गए थे, और फिफ्थ से ट्वेल्थ तक मैंने राजस्थान बोर्ड से ही किया था। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद मैंने हस्बैंड ने बोला कि नहीं, इसका कंटिन्यू करना है पढ़ाई को। मैं कहा चलो ठीक है, अब घर भी संभालना और कॉलेज भी जाना, दोनों मैनेज ठीक से ही हो गया था। आदर्श कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया था और मैं वहाँ साइकिल से जाया करती थी। मेरी शादी 1991 में हुई थी, और मेरे हस्बैंड का नाम डॉक्टर विनोद के वर्मा है, जो कि आज आदित्य बिरला ग्रुप में वाइस प्रेसिडेंट के। उनका सपोर्ट तो यही रहा है कि हाँ भाई सबको अच्छे से भी करो, उनको पापा को भी अच्छे से देखो, बाकी बच्चों का भी अच्छे से ध्यान, मतलब उनसे हमेशा मुझे प्रेरणा ही मिलती रही है। बाय नेचर ये बहुत गुस्सेल हैं पर फिर भी आई लाइक इट। शादी से लेके अब तक का सफ़र तो अच्छा ही रहा है, गुस्सेल होने की वजह से कभी नोकझोंक भी हो जाती थी, पर हम थोड़ी देर में ही आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। फैमिली के पास लिए इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ये सुबह 6 बजे निकल जाते हैं और रात को 8 बजे घुसते हैं, इतना टाइम इनके पास नहीं होता, ये बहुत ही बिजी पर्सनैलिटी है। हाँ बस वीकेंड में थोड़ा बहुत, सैटरडे संडे में थोड़ा बहुत हम लोग काफ़ी इंजॉय कर लेते हैं। मैं तो इनसे यही कहना चाहूँगी कि अपना कीमती समय से निकाल के 8 बजे के बाद में वो टाइम मेरा होना चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो खूब तरक्की करें, खूब अपना नाम रोशन करें। मेरे 2 बच्चे हैं, पहली लड़की है विशाली वर्मा और सेकंड दिव्यांशु वर्मा। हाँ अब तो सेटल्ड हैं वो, लेकिन अब ये बहुत दूर चले जाएंगे, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगे, पर ठीक है, ये अपनी फील्ड में अच्छा कर रही हैं और इन्जॉय करें। बेटे की अभी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, पर मैं यही चाहूँगी कि
ये जाके अपना अच्छे से वो करे, अपना स्टडी करे, पर अपनी हेल्थ के लिए खास ध्यान रखे।